ओके ऑल राइट, वेरी गुड फ्रेंड्स। तो वेलकम टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग, चलिए आशा करता हूँ सब ठीक होंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन आईडी 53, राइट, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी। तो इसको देखेंगे हम कि इसकी मैकेनिज्म क्या होगी और हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। ओके तो सब इसको देखने प्रोडक्ट देखने के लिए हमें मैकेनिज्म जानना जरूरी है। तो उससे पहले क्या करेंगे, हम मैकेनिज्म को जानेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके तो इससे पहले क्या है, हम आपको बता दें कि हम ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। इससे क्या होता है, हमें एक खुशी मिलती है। ओके अगर आपके एक क्लिक करने से किसी को खुशी मिल रही है तो दे दीजिए, क्या जाता है। ओके तभी क्या होता है, हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन आईडी अपनी 53। ओके तब क्या है, यहाँ पे देखेंगे इस अगर एक तो क्या है, यहाँ पे NH4CO3 दिया गया है और नंबर टू क्या है KMNO4, फिर क्या है हमारा HCl। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये NH4 का होल ट्वाइज और CO3 है क्या। ओके NH4 ये दिस इज योर NH4 का होल ट्वाइज और CO3, ये आपका ये हो गया। बेसिकली ये क्या है, ये हमें देता है NH2। ओके एमीन बताता है, एमीन देगा। ओके एमीन डोनर है, यहाँ पे बोल सकते हैं। और दूसरा क्या, KMNO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर मैं इस रिएक्टेंट को ऐसे शो करूँ, देखना रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं अपन। ओके ठीक है, बोथ आर सेम प्रोडक्ट, सेम रिएक्टेंट। ठीक है, दोनों क्या हैं, सेम ही हैं, बट क्या है, हमने थोड़ा अपने सरल वे में लिख लिया है। ओके इजी या सुटेबल वे में, जिससे हम क्या कर सकें, अपना मैकेनिज्म सही कर सकें। ओके अब देखिए ये क्या देता है हमें, NH2। तो NH2 जनरली सी बात है, NH2 जो मिलेगा इससे हमें, वो किस पर अटैक करेगा, वो इस पर अटैक करेगा और ये क्या होगा हमारा, लीव हो जाएगा ऐसे। ओके तो यहाँ पे हम NH2 ले ही लेते हैं, इस पर अटैक होगा, ऐसे जाएगा, तभी देखो हमारा क्या बन जाएगा। NH2 ओके एक रिएक्टेंट यूज कर चुके, दूसरा रिएक्टेंट लेते हैं हम, क्या लेते हैं अपना KMNO4। KMNO4 एक इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो किसको ऑक्सीडाइज करेगा, वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और इसको ऑक्सीडाइज करेगा वो किस में करेगा, वो कर देगा हमारा, देखिए ये कर देगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि रिएक्शन में क्या दिया गया हमको, HCl दिया गया है। ठीक है, जब HCl दिया गया तो यहाँ पर प्रोटॉन भी मिल जाएगा, प्रोटॉन मिल जाएगा मतलब एसिड मिल जाएगा, एसिडिक प्रोटॉन मिल जाएगा। अब नंबर टू क्या आता है हमारा, ये देखिए ये क्या है हमारा, एक इंटरमीडिएट बन गया। ठीक है, ये आइसोलेटेड नॉट आइसोलेटेड हो सकता है। ओके इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, बट ये रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या बनेगा, इंटरमीडिएट, एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म होगा ये, राइट। तभी क्या होगा, हमें HCl मिल जाएगा हमारा लास्ट, या लास्ट वन इज HCl। ओके तो HCl दिया जाएगा, तो HCl क्या होता है, एसिड। ओके तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जाके देखो इसको करेगा क्या, ये वाला यहाँ अटैक कराएगा और इस पर पहले से ही प्रोटॉन बन गया होगा, तो ये H3 यहाँ देखते हैं अपन। ओके फुल क्लियरली वे में देखते हैं, और यहाँ क्या बन गया है हमारा, एज यू ऑलरेडी नो दैट दिस इज द लीविंग ग्रुप। ओके कैसे होगा, देखिए ये यहाँ आ जाएगा, इधर जाएगा, फिर माइनस चार्ज रिवर्स होगा तो दिस इज आवर लीविंग ग्रुप। ठीक है, तो अगर हम प्रोडक्ट बनाने की बात करें, ओके इधर बनाते हैं अपन प्रोडक्ट। ओके
या दिस इज आवर प्रोडक्ट। ओके, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही है, हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैकरीन, सैकरीन। और ये क्वेश्चन क्या है, ये हमारी क्लेडन क्लेडन की बुक में दिया गया है, क्लेडन में 486 पेज पर। ओके, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ ये वीडियो से, इस वीडियो से क्या हुआ होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और देखा होगा कि हमारा प्रोडक्ट कैसे हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम और आपको लाते रहेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।